हे गाइस, सो आप में से ज़्यादातर लोगों ने रोनल्ड रीड्स का नाम ज़रूर सुना होगा। बेसिकली रोनल्ड रीड्स एक अमेरिकन सिटीज़न है जिन्होंने अपनी जवानी में एक गैस स्टेशन पे एज एन अटेंडेंट काम किया एंड अपनी ओल्ड एज में एक रिटेल स्टोर पे एज अ जेनेटर काम किया। नाउ देखा जाए तो ये दोनों ही जॉब जो रोनल्ड रीड ने करी, ये दोनों ही बहुत हाई अर्निंग जॉब्स नहीं थी, बट स्टिल एट द टाइम ऑफ हिज डेथ रोनल्ड रीड की नेटवर्थ थी अराउंड $8 मिलियन। अगर इसको हम इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें सो एट प्रेजेंट रोनल्ड रीड की नेटवर्थ होती है अराउंड 61 करोड़ रुपीज। ना सोचने वाली बात यह है कि रोनल्ड ने एक गैस स्टेशन अटेंडेंट एंड एक जेनेटर जैसी छोटी नौकरी करके भी इतना पैसा कैसे कमाया एंड कैसे एक मिलियनर बने। सो आई विल टेल यू हाउ। बेसिकली पैसा कमाने के लिए एक अच्छी जॉब से ज्यादा जरूरी होती है एक अच्छी साइकोलॉजी या एक अच्छा माइंडसेट, एंड रोनल्ड के पास ये अच्छा माइंडसेट था एंड इसी माइंडसेट या साइकोलॉजी की मदद से ही रोनल्ड इतना सारा पैसा कमा पाए। सिंपली बोलूँ तो रोनल्ड को ये पता था कि पैसे के डूज एंड डोंट्स क्या होते हैं, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस साइकोलॉजी और माइंडसेट रोनल्ड एक गैस स्टेशन अटेंडेंट एंड एक जेनेटर जैसी लो पेइंग जॉब करके भी एक मिलियनर बन पाए। एंड द बेस्ट पार्ट इज अगर हम भी ये डूज एंड डोंट्स क्या है पैसे के ये सीख लेते हैं तो हम भी इरिस्पेक्टिव ऑफ दिस कि हम क्या जॉब करते हैं एक मिलियनर बन सकते हैं एंड जिस रैट रेस में हम फंसे हुए हैं उससे बाहर निकल सकते हैं। ना फाइनेंशियल एजुकेशन एंड मनी माइंडसेट डेवलप करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक जो मार्केट में एट प्रेजेंट अवेलेबल है दैट इज द साइकोलॉजी ऑफ मनी, एंड इस वीडियो में हम इसी बुक की टॉप 5 लर्निंग्स के बारे में बात करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हमारा फर्स्ट लेसन आता है वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। मान के चलो दो दोस्त हैं राज एंड विक्रम। नाउ राज महीने के 1.5 लाख रुपए कमाता है, एक बड़े घर में रहता है, एक बहुत एक्सपेंसिव सी गाड़ी चलाता है एंड हमेशा ब्रांडेड क्लोथ्स पहनता है। वेयर एज जो विक्रम है वो महीने के सिर्फ 50,000 रुपए कमाता है, एक छोटे से 1 BHK के घर में रहता है, एक बहुत नॉर्मल सी सेकेंड हैंड कार चलाता है एंड बहुत एवरेज से सिंपल ब्रांड के कपड़े पहनता है। सो इनके लाइफस्टाइल एंड इनकी स्पेंडिंग हैबिट्स को देख के कोई भी आदमी यही बोलेगा कि राज जो है वो रिच है, वेयर एज जो विक्रम है वो एक मिडिल क्लास है। बट वॉट इफ आई से कि राज के ऊपर 80 लाख रुपीज का होम लोन है, 30 लाख रुपीज का कार लोन है एंड 4 लाख रुपीज की क्रेडिट कार्ड लाइबिलिटी है, एंड इन सब लोन्स एंड लाइबिलिटीज की वजह से राज फाइनेंशियली बहुत ज्यादा परेशान रहता है। वेयर एज विक्रम के पास 5 लाख रुपीज सेविंग अकाउंट में है, 10 लाख रुपीज उसने डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रखे हैं एंड 15 लाख रुपीज उसने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखे हैं। एंड बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट्स एंड सेविंग्स विक्रम बहुत ज्यादा खुश रहता है एंड अगले 10 साल में रिटायर होने का प्लान कर रहा है। सो अब आपको क्या लगता है राज और विक्रम में से कौन ज्यादा रिच है? अकॉर्डिंग टू मी राज सिर्फ दिखता रिच है, वेयर एज विक्रम एक्चुअल में रिच है। सो ऑलवेज रिमेंबर ऐसा जरूरी नहीं कि जो आदमी महंगे घर में रहता है, महंगी गाड़ी चलाता है एंड ब्रांडेड कपड़े पहनता है वो अमीर है, एंड ऐसा भी जरूरी नहीं कि जो आदमी छोटे घर में रहता है, एवरेज सी गाड़ी चलाता है एंड एवरेज से कपड़े पहनता है वो गरीब है। एंड रियल लाइफ में भी अगर आप नोटिस करोगे तो आप देखोगे कि जो एक्चुअल बिलियनर्स एंड मल्टी मिलियनर्स हैं सच एज वॉरेन बफेट, बिल गेट्स एंड अगर इंडिया में बात करें तो मुकेश अंबानी, ये लोग कभी भी आपको ब्रांडेड कपड़े पहनते हुए या बहुत ज़्यादा शो ऑफ करते हुए नहीं दिखेंगे, एंड दैट इज बिकॉज दे नो द डिफरेंस बिटवीन शोइंग ऑफ एंड द रियल वेल्थ। सो ऑलवेज रिमेंबर द लेसन नंबर 1, दैट इज वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी, एंड स्पेंडिंग मनी टू शो पीपल हाउ मच मनी यू हैव इज द फास्टेस्ट वे टू हैव लेस मनी। लेसन नंबर 2 इज ट्रेडिंग टाइम फॉर मनी इज नॉट अ गुड डील। नाउ रिसेंटली मेरा एक डॉक्टर से अपॉइंटमेंट था। नाउ ये जो डॉक्टर है ये नॉर्थ इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर है एंड ही अर्न्स अराउंड 3 to 5 lakh rupees पर डे। सो बेसिकली ही अर्न्स अ लॉट ऑफ मनी। बट नाउ लेट्स लुक एट हिज डेली रूटीन। सो ही वेक्स अप एट अराउंड 8 AM। अराउंड 9 AM ही रीचेज द हॉस्पिटल। फ्रॉम 9 AM टू 2 PM ही डज ऑल द ऑपरेशंस एंड विजिट्स ऑल द पेशेंट्स। फ्रॉम 3 PM टू 6 PM ही इज इन OPD। फ्रॉम 6 PM टू 9 PM ही इज इन हिज ओन क्लिनिक एंड देन अगेन फ्रॉम 10 PM टू 2 AM ही इज इन द हॉस्पिटल। एंड यही डेली रूटीन ये डॉक्टर फॉलो करता है हफ्ते में 6 दिन। नाउ अगर आप मुझसे पूछो कि क्या मैं अपनी लाइफ इनके साथ स्विच करना चाहूंगा, देन माई आंसर इज अ क्लियर कट नो। नाउ मेरे नो कहने के 2 मेन रीजन है। रीजन नंबर 1 इज ही डोंट हैव टाइम। इस डॉक्टर के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है एंड ये अपनी लाइफ ना अपनी मर्जी से जी सकता है एंड ना ही ये अपना टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर सकता है, विच इज अकॉर्डिंग टू मी अ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग थिंग। बट चलो अगर हम टाइम को साइड भी रखें ये सोच के कि हर अमीर आदमी के पास या हर सक्सेसफुल आदमी के पास टाइम नहीं होता है, देन बी द रीजन नंबर 2 इज ही डोंट हैव फाइनेंशियल सिक्योरिटी। सो ये डॉक्टर 3 से 5 लाख रुपए पर डे कमा रहा है, बट ये सिर्फ तब तक है जब तक ये अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखेगा।
एंड जिस दिन ये अपनी प्रैक्टिस छोड़ देगा या अपना काम करना छोड़ देगा, उस दिन से ये कुछ भी नहीं कमाएगा। एंड अकॉर्डिंग टू ऑथर, फाइनेंशियली ये एक बहुत अच्छी स्टेट नहीं है। ऑथर कहते हैं कि अगर आपको मल्टी मिलियनर या बिलियनर बनना है, देन यू विल हैव टू स्टॉप ट्रेडिंग टाइम एंड स्टार्ट अर्निंग पैसिवली। नाउ पैसिव अर्निंग का मेरे पास एक पर्सनली बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जब मैं इनके क्लिनिक में अपना नंबर आने का वेट कर रहा था, उसी समय मुझे मेरे मोबाइल पे एक SMS रिसीव होता है सेइंग दैट यू हैव रिसीव्ड अ डिविडेंड। दिस मींस जिस भी कंपनी का मैं स्टॉक होल्ड करता हूँ, उसमें से किसी एक कंपनी ने मुझे डिविडेंड दिया। नाउ ऑफ कोर्स जितना भी मैंने डिविडेंड रिसीव करा वो 3 to 5 lakh के क्लोज भी नहीं था, बट व्हाट आई वांट टू से इज ये डिविडेंड पूरी एक पैसिव इनकम थी। ना ही मैंने इसके लिए कोई टाइम ट्रेड करा एंड ना ही मुझे इसे कमाने के लिए कुछ भी काम करना पड़ा। एंड दिस इज व्हाट अ पैसिव इनकम इज। एंड फ्यूचर में मैं अगर इस कंपनी के शेयर और बढ़ा लेता हूँ, देन मुझे लाखों करोड़ों में भी डिविडेंड रिसीव हो सकता है। सो हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा पैसिव इनकम के सोर्सेज बनाने की कोशिश करो एंड कम से कम टाइम ट्रेड करो, बिकॉज हम सबके पास टाइम बहुत लिमिटेड है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, यू कैन अर्न मनी विद टाइम बट नॉट टाइम विद मनी। लेसन नंबर 3 इज लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल। सो रशिया यूक्रेन वॉर एंड COVID-19, इन दोनों में क्या कॉमन है? आई विल टेल यू, इन दोनों में एक ही चीज़ कॉमन है एंड दैट इज ये दोनों अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्रिडिक्टेबल इवेंट्स थे। पूरे वर्ल्ड में किसी को भी नहीं पता था कि ये दोनों होने वाले हैं, एंड अगर होने वाले हैं तो कब होने वाले हैं एंड कब तक एंड होंगे। सो ऑलवेज रिमेंबर, लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है एंड लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपने एक्सपेक्ट नहीं करी होंगी। अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ, सो मैंने अभी पिछले लेसन में बताया कि मेरा एक डॉक्टर से अपॉइंटमेंट था। नाउ दैट इज बिकॉज मेरे फादर को रिसेंटली हार्ट अटैक आया था एंड वो 15 डेज तक हॉस्पिटल में एडमिट थे। ना मेरे एंड मेरी फैमिली के लिए ये एक बहुत अनप्रिडिक्टेबल एंड बहुत अनएक्सपेक्टेड सा इवेंट था। बट बिकॉज मैं इस बात को बहुत पहले से जानता हूँ कि लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है एंड लाइफ में बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती रहती हैं, मैंने अपने मम्मी पापा को एक हेल्थ इंश्योरेंस दिलवा रखा था। एंड बिकॉज ऑफ दैट हेल्थ इंश्योरेंस हम एक बहुत अच्छे डॉक्टर को दिखा पाए एंड एक बहुत अच्छे हॉस्पिटल में पापा का ऑपरेशन करवा पाए विदाउट पेइंग इवन अ पेनी। एंड यही सेम बात ऑथर भी कहते हैं। वो कहते हैं कि हमें लाइफ के अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स को एक्सपेक्ट करके चलना चाहिए एंड उनके लिए तैयार रहना चाहिए। एंड रियलिटी में अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स के लिए तैयार होना बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होता है। आपको बस 3 मेन चीज़ों पर ध्यान देना है। नंबर 1 इज हैविंग एन इमरजेंसी फंड, नंबर 2 इज हैविंग अ हेल्थ इंश्योरेंस एंड नंबर 3 इज हैविंग अ लाइफ इंश्योरेंस एंड देन यू आर गुड टू गो। लेसन नंबर 4 इज नथिंग इज फ्री। सो लाइफ में कुछ भी फ्री नहीं होता है। बस डिफरेंस इतना है कि अगर हम शॉपिंग मॉल में किसी भी चीज़ की शॉपिंग करने जाते हैं तो वहाँ पे हमें हर चीज़ का प्राइस इजीली पता चल जाता है बिकॉज वहाँ पे हर चीज़ पे टैग लगा हुआ होता है। वेयर एज जो बाकी चीज़ें होती हैं लाइफ में उनके ऊपर कोई भी टैग नहीं लगा होता है, दैट्स वाई हमें उनका प्राइस पता नहीं चलता है। फॉर एग्जाम्पल, ज़्यादातर लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर जैसी चीज़ों को यूज़ करते हैं एंड सोचते हैं कि ये फ्री हैं, बट दैट इज़ नॉट द केस। अगर आप एक ऐसे इंडिविजुअल हो जो 100 rupees पर आर कमाते हो, देन हर आर फेसबुक एंड इंस्टाग्राम यूज़ करने के लिए आप 100 rupees लूज़ कर रहे हो एंड दैट इज़ द प्राइस यू आर पेइंग। एंड अगर आप एक स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर हो, देन भी आपको प्राइस पे करना पड़ता है। इन स्टॉक मार्केट द प्राइस यू पे इज टेकिंग रिस्क। आप अपने पैसे को खोने का रिस्क लेते हो एंड कभी कभी अपने पैसे को 40-50% तक खो भी देते हो एंड देन ही आप पैसा कमा पाते हो स्टॉक मार्केट में, एंड वो भी एक बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में। सो ऑलवेज रिमेंबर, लाइफ में कोई भी चीज़ फ्री नहीं होती है। बस डिफरेंस इतना है कि शॉपिंग करते हुए हमें टैग्स मिल जाते हैं, वेयर एज लाइफ में हमें टैग्स नहीं मिलते हैं। लेसन नंबर 5 इज नेवर इनफ। मीट रवि। रवि IT सेक्टर में जॉब करता है एट एन एनुअल पैकेज ऑफ 1.5 crore। सो दिस मीन्स एम्प्लॉय ट्राइंगल में रवि टॉप 1% अर्निंग एम्प्लॉयज में से एक है एंड ही वॉज वेरी हैप्पी विद हिज सैलरी अंटिल ही शिफ्ट्स टू अ न्यू होम एंड मीट्स हिज न्यू नेबर मिस्टर कुमार। नाउ मिस्टर कुमार एक बिजनेसमैन है एंड एनुअली 25-30 crore rupees अर्न करते हैं एंड इनकी अर्निंग के आगे रवि की 1.5 crore की अर्निंग भी बहुत कम लगती है। मिस्टर कुमार रिच में टॉप 1% अर्निंग इंडिविजुअल में से एक है, बट द क्वेश्चन इज क्या मिस्टर कुमार अपनी अर्निंग से सेटिस्फाइड है? द आंसर इज नो। मिस्टर कुमार एक पार्टी में जाते हैं जहाँ पे चीफ गेस्ट होते हैं विराट कोहली। नाउ विराट कोहली की नेटवर्थ है अराउंड 1,200 crores एंड इनकी नेटवर्थ के आगे मिस्टर कुमार की नेटवर्थ बहुत कम लगने लगती है। विराट कोहली इंडिया के टॉप 1% रिच लोगों में से एक है। सो इज विराट कोहली द रिचेस्ट? द आंसर इज अगेन नो। विराट कोहली IPL की एक पार्टी में जाते हैं जहाँ पे वो मिलते हैं मिस्टर मुकेश अंबानी से। ना मुकेश अंबानी की नेटवर्थ है अराउंड 70-80 billion dollars, डेट इज अराउंड 6-7 lakh crore rupees एंड सडनली विराट कोहली के 1,200 crore rupees बहुत कम लगने लगते हैं। ना मुकेश अंबानी वर्ल्ड के टॉप 1% वेल्दीएस्ट पीपल में से एक हैं। बट द क्वेश्चन इज क्या ये गेम यहीं खत्म होता है? द आंसर इज अगेन नो। मुकेश अंबानी से भी रिच लोग इस दुनिया में हैं, सच एज जेफ बेजोस, इलॉन मस्क
एक्सेट्रा. सो बेसिकली द पॉइंट आई वांट टू मेक इज फॉर एवरी फिश देयर इज अ बिगर फिश इन द सी. सिंपली बोलू तो चाहे आप कितना भी पैसा कमा लो, हमेशा कोई ना कोई ऐसा जरूर रहेगा जो आपसे ज्यादा अमीर होगा. एंड ऑथर भी यही कहते हैं कि पैसे का और आदमी का रिलेशन बहुत अजीब सा है. एक आदमी पर चाहे कितना ही पैसा हो, हमेशा वो यही बोलता है कि उसे और पैसा चाहिए. एंड द प्रॉब्लम इज बहुत सारे लोग इसी ट्रैप में फंस के दुखी रहते हैं. सो ऑथर कहते हैं कि किसी भी आदमी को इस नेवर इनफ के ट्रैप में नहीं फंसना चाहिए एंड अपने लिए एक फाइनेंशियल गोल सेट करना चाहिए. नाउ बिकॉज हर आदमी की फाइनेंशियल नीड एंड डिजायर्स अलग होती हैं, सो अपने लिए गोल सिर्फ आप ही सेट कर सकते हैं. सो टेक योर टाइम एंड सेट अ फाइनेंशियल गोल फॉर योरसेल्फ. एंड फाइनली ऑथर कहते हैं कि कभी भी पैसा कमाने के लिए कोई भी गलत या इलीगल काम नहीं करना चाहिए, बिकॉज मनी इज नॉट वर्थ वेस्टिंग योर लाइफ. सो दीज वर द टॉप 5 लेसन्स और लर्निंग्स फ्रॉम द साइकोलॉजी ऑफ मनी. नाउ अगर आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हो, देन आई विल सजेस्ट यू कि आप एक इंडेक्स फंड से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो, जिसके लिए आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो. फाइनली अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कर सकते हो एंड ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो. दिस इज फाइनेंशियल एडवाइजर साइनिंग आउट.